हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद वर्मा आज आपका फिर से ज्ञान क्लब में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पहला पार्ट है, इसके अंदर हम एंगल्स फाइंड करना सीखेंगे कि फिगर्स के अंदर कैसे हम एंगल फाइंड करते हैं। और दोस्तों, ज्योमेट्री जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके SSC के लिए और किसी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में। अगर आप ज्योमेट्री अच्छी तरह से करते हैं तो आपके प्री में 10 मार्क्स और मेंस के अंदर मिनिमम से मिनिमम 20 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का मीनिंग होता है जियो प्लस मिट्री। जियो को हम कहते हैं अर्थ और मिट्री होता है मेजर करना, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले बात आती है बिंदु की, पॉइंट। पॉइंट एक ऐसा डॉट हो सकता है जो कि एक यूजफुल, कि आप एक पॉइंट रखेंगे वो, इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है कि आप चाहेंगे इसकी कोई डेफिनेशन हो जाए, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप एक पेंसिल से, पेन से, किसी से भी डॉट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आती है लाइन्स। लाइन्स रेखा, लाइंस एक, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि एक एक फिगर दैट इज क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलाकर बनी एक आकृति को हम लाइंस कहते हैं। ये दोस्तों एक लाइंस है, लाइंस का मतलब होता है जो दोनों तरफ जा रही है। इसको हम एक, ये अगर ये होगी तो वो एक रेज होगी, इसे हम रे बोलेंगे, ये एक रेज कहलाती है हमारी। और अगर मैं दो बिंदु फिक्स कर दूं, यानी एक ए और एक बी, यहां पर ये फिक्स कर दूं, तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। यानी रेखाखंड, ठीक है दोस्तों। अब रेखा के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं लाइंस के अंदर? सबसे पहले होती है एक ये लाइन, इसकी एक पैरेलल लाइन आती है, यानी कि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल हो, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करे, यानी कि एल और एम, यानी कि एल पैरेलल टू एम हो, तो इसका मीनिंग हो गया कि एल और एम कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि एक ये है और एक ये है, ये एल है ये एम है, तो एल परपेंडिकुलर टू एम, इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्लोप, स्लोप मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कोऑर्डिनेट उसके बारे में, स्लोप के बारे में, कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप में -1 होता है, यानी कि स्लोप ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ एम इक्वल टू -1 होगा, यानी कि इसकी स्लोप इसकी स्लोप के माइनस अपोजिट होगी। फिर आती है तीसरी लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे, यानी कि ये चीज, यानी कि यहाँ पे भी एल हो और इसी पे भी एम हो, तो ये दूसरी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी, यानी कि हर एक बिंदु उस पे दोनों का मिक्स होगा, ठीक है दोस्तों। लाइंस के बारे में इतना ही है। अब आता है हमारा एंगल्स। एंगल्स में हम सबसे पहले, एंगल्स ये होता है कि जब दो लाइनों के बीच में जो ये कोण बनता है इसको हम एंगल कहते हैं, यानी कि ये जो ये कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लाइनों के बीच में, ये एक ये हो जाता है। ये हमेशा कहीं से भी हम करते हैं, देखो इस तरह से, ये भी थीटा एंगल होता है, ये भी एंगल होता है, इस तरह के बहुत सारे एंगल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एंगल चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि जब एंगल छोटा हो 90 डिग्री से, यानी कि थीटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है थीटा इक्वल टू 90 है, इससे कम होगा तो हमेशा न्यून कोण ही कहलाएगा, यानी कि जो आकृति इस तरह से हो, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, वो आपकी न्यून कोण ही कहलाएगी, ठीक है। अगला आता है समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री, डिग्री यानी कि थीटा जब 90 के बराबर होगा तो उसे हम समकोण कहेंगे या राइट एंगल कहेंगे या परपेंडिकुलर कहेंगे, वो चीज डिपेंड करती है कि हम कोई भी चीज कह सकते हैं लेकिन चीज वही होगी। अगला आता है अधिक कोण। अधिक कोण होता है कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो,
180 से कम हो और थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, इसलिए हम इसे कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है आपका, 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, यानी कि 91 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, ठीक है, अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद में आता है आपका सीधी रेखा कोण। सीधी रेखा कोण यानी कि एक ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये पूरा कोण हो गया थीटा। ये सीधी रेखा कोण होता है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होगा, और ये होता है 180 डिग्री का, ऑलवेज हमेशा ही ये 180 का ही रहेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन एंगल इसे कहते हैं। अगला होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि अगर मैं एक एंगल बनाता हूँ ऐसे, ये मेरा एंगल है थीटा, और इसके रिफ्लेक्स में ये एंगल है पूरा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि अल्फा है वो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये अल्फा होता है वो हमेशा ही 180 से बड़ा होगा और छोटा होगा 360 डिग्री से। अगला क्या है, पूरक कोण, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है कि एक पॉइंट के ये पूर्ण कोण होता है, ये हमेशा 360 डिग्री का ही कहेगा, हमेशा 360 डिग्री, एक पॉइंट ओ है, ओ पे ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे हम पूर्ण कोण कहेंगे। दोस्तों पूर्ण कोण और पूरक कोण में फर्क है, अगला जो हम करेंगे वो पूरक पूर्ण नहीं होगा, पूरक कोण होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है, देखिए ये अल्फा हो सकता है और ये बीटा हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि आप इसी में ही आपको फाइंड करना पड़े, यानी कि जब 90 डिग्री के दो हिस्से रखे हो तो उसमें ही आप बताएं कि 90 डिग्री होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, दोनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, उसको हम पूरक कोण भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। संपूरक कोण में जब दो एंगल अल्फा और बीटा का जोड़ 180 डिग्री होता है, अब इसके लिए यह चीज क्लियर नहीं है कि वो दोनों एक लाइन में हो, इसके लिए यह भी हो सकता है कि ये अल्फा हो और ये बीटा हो, ठीक है, यहां से भी ये चीज निकल के आती है और यहां से भी आती है, आपकी दोनों चीज से सही सेटिस्फाई है, इसके लिए ये नहीं है कि आपकी एक लाइन सीधी हो। असंपूर्ण कोण और संपूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। देखिए एक होता है पूरक कोण 90 डिग्री का, एक संपूरक कोण होता है 180 का, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री। सी पहले आता है, सी छोटा है या छोटा है, सी छोटा है, इंग्लिश के लिए सी छोटा है तो यानी कि सी 90 डिग्री का, एस बड़ा है तो बड़ा हो गया था 180 का, जो बड़ा है उससे बड़ा। अब देखिए इसके अंदर तीन लेटर आते हैं, पूरक में कितने लेटर आते हैं, तीन, जितने कम लेटर होंगे वो छोटा होगा, इसमें कितने आते हैं चार, जिसमें चार आगे वो 180 का, जिसमें तीन आगे वो 90 का, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना यहां से। अगली चीज आती है एडजेसेंट एंगल। इस एंगल का क्या होता है कि हमारी जो एक लाइन होती है बीच की वो कॉमन होगी, यानी कि एडी है वो कॉमन होगी, अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, इसमें ये एडी है ना, एडी ये कॉमन है दोनों में, एक चीज कॉमन होनी जरूरी है इसमें, इसलिए हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे इसको, ठीक है। अगला आता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर यानी कि जब एक स्ट्रेट लाइन होगी उसके दो बाकी होंगे अल्फा और बीटा, यहां पर अल्फा और बीटा 180 होगी और साथ में क्या हुआ, अल्फा और बीटा लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। अगर मैं अल्फा का हाफ करता हूं, बाइसेक्ट करता हूं, और बीटा का बाइसेक्ट करता हूं, तो वे दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ अल्फा एंड बीटा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल दूसरे के ऊपर अपोजिट में है, देखिए एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये एंगल अल्फा है अल्फा वन, ये अल्फा टू,
ये बीटा वन और ये बीटा टू। देखिए अल्फा वन एंड बराबर होगा अल्फा टू के, और बीटा वन बराबर होगा बीटा टू के। ये जो है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये चीज होगी। क्योंकि अब दो लाइनें आपस में काट रही है तो उसके आमने सामने के जो अपोजिट के एंगल होंगे वो हमेशा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। उससे आगे आता है हमारा एक ये फिगर दे रखी है, देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है हमें कि एल वो परपेंडिकुलर है एम के, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स लाइन उसे काट रही है। अब देखिए ये एंगल मैं वन देता हूँ इस एंगल को नाम, इस एंगल को टू देता हूँ, इस एंगल को थ्री देता हूँ, इस एंगल को फोर देता हूँ, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एंगल किस हिसाब से बराबर है। देखिए कोण दो बराबर है कोण तीन के, कोण एक बराबर है कोण चार के, कोण छः बराबर है कोण सात के, और कोण पाँच बराबर है कोण आठ के। ये सारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद में क्या आते हैं, उसके बाद में आते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए कि ये एंगल एक और ये एक में फाइव, ये और ये कोण वन बराबर है कोण पांच के, ठीक है, और कोण दो बराबर है कोण छह के, कोण तीन बराबर है कोण सात के, और कोण आठ बराबर है कोण चार के। ये सारे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में कौन सा बचता है हमारा, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल में उसमें क्या होता है, देखिए कि जो ये चार है वो पांच के बराबर है, ठीक है, और कोण तीन है वो बराबर किसके है कोण छह के, ठीक है, और कोण एक है वो बराबर है कोण आठ के, और कोण दो बराबर है वो है कोण सात के। ये अल्टरनेट एंगल की थ्योरम है, ये कॉरस्पॉन्डिंग की है, और ये हमारी पर्टिकुलर अपोजिट की है, ठीक है। तीन चीज इसमें आती है और तीनों चीज ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आती है, वो देखिए कोण तीन और कोण पांच, एंगल थ्री प्लस में एंगल फाइव इक्वल टू 180, और एंगल फोर प्लस में एंगल सिक्स इक्वल टू 180। यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है, सप्लीमेंट्री एंगल भी कहेंगे सेम, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्या है कि L पैरेलल टू M, ठीक है, और N है वो परपेंडिकुलर टू L है। अगर देखिए L परपेंडिकुलर टू है, सॉरी N परपेंडिकुलर टू L है, और ये दोनों L और M पर पैरेलल है जो दे रखा में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो N है वो उसके भी परपेंडिकुलर, यानी कि N सो दैट, इसके हम कह सकते हैं कि N परपेंडिकुलर होगा M के भी, ठीक है। अगर ये एक पे परपेंडिकुलर है तो दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है तो, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला हमें ये एक आकृति दे रखी है कि इसमें दे रखा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, एक एंगल दे रखा हमें अल्फा, एक दे रखा हमें बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अगर मैंने आपको बताया था यहां पर एक ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन से अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो गया। अब अल्फा का मैं बायसेक्ट करता हूं, ये अल्फा बाई टू, ये हो गया अल्फा बाई टू, और बीटा का भी बायसेक्ट करता हूं, ये हो गया मेरा बीटा बाई टू। तो अल्फा बाई टू प्लस में अल्फा बाई टू प्लस में बीटा बाई टू प्लस में बीटा बाई टू 180 है, यहां से तो वही आ गया, यहां से ये टर्म आ गई सेम टर्म। अब देखिए ये चीज है तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा बाई टू प्लस में बीटा बाई टू दो है, तो से इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा 90, यानी कि ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इसके लिए आपको कोई और प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रखनी कि अल्फा का हाफ और बीटा का हाफ हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे।
अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि एक लाइन है एल ऊपर पेंडिकुलर टू एम ऊपर पेंडिकुलर टू एन है, और दो ट्रांसवर्स लाइन एक ये और एक ये दोनों को ए बी सी डी ई एफ पे काट रही है। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये पार्ट ए सी बी डी बराबर होगा और ये पार्ट भी बराबर होगा। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कि ए सी अपॉन में ई सी वो बराबर होगा हमेशा बी डी अपॉन में डी एफ, ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा ट्रूथ होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी आपके लिए, याद रखने आपको। अगर पहले लाइन है तीन और उन्हें दो ट्रांसवर्स लाइन काट रही है तो उनके बीच में जो रेशियो बन रहा है वो बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो इसके बेस्ट अब तक जो मैंने आपको करवाया उसके बेस्ट जो भी क्वेश्चन अब तक सोल्व करेंगे उसके आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, इसमें आकृति दे रखी है जिसमें हमें एंगल फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सीधी लाइन है तो वो कितना एंगल बनाती है 180 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180, वो लिख दें हम 3x प्लस में 15 प्लस में 2x इक्वल टू 180। अब यहां से देखिए 5x इक्वल टू 180 माइनस में कितना हो गया 15 माइनस इस साइड आ गया, क्या बचेगा ये 165 5x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पांच से इसको काटूंगा तो 5 × 15 5 × 15 33 आ गई, यानी कि ये एंगल अगर हम पूछ रहा है तो 66 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 33 × 99 प्लस में 15 9 5 14 और 9 1 10 11 114, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स कहां से है ये चीज है, इसमें दे रखा है एल पैरेलल टू एम है, ये एल है ये एम लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखिए इसमें हमें कुछ चीजें क्रिएट भी करनी पड़ेगी, देखिए जैसे कि ये चीज है तो यहां पर इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा जो कि एल पैरेलल टू एम है तो पैरेलल होगी एन, यानी कि अगर एन लाइन खींची तो मैंने, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल यानी कि दो लाइनें ऐसे हो और एक लाइन ऐसे काट रही है तो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल कितना दे रखा है हमें 30, ये 30 दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इतना ये इतना इतना 30 हो गया, इतना इतना देखिए ये लाइन है और ये इतना इतना 30 हो गया। अब बात करते हैं इस एंगल की, इस एंगल की देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और दो लाइनें कट रही है ऐसे, एक लाइन काट रही है इसको, ये एंगल और ये एंगल कितना होता है इन दोनों का जोड़ 180 होता है, बताया था मैंने आपको अभी, तो इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, अब 80 और 30 कितना हो गया पूरा कितना जोड़ हो गया 80 प्लस में 30 वो बराबर हो गया मेरा x प्लस में 20, ये कितना हो गया 110 और 20 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा x बराबर कितना हो गया मेरा 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब l पैरेलल टू m है और n है, ये l हो गया ये m हो गया ये देखिए, ठीक है, अब या तो आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है पहले लाइन है तो आगे बढ़ सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइनें हो एक ऐसे कट रही है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्यों अल्टरनेट एंगल, तो ये 55 का है तो ये कितना हो जाएगा 55 का हो जाए 55 का, और ये 55 का है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों बराबर होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अब ये एंगल कितना 55 है तो ये भी 55 होगा पूरा, यानी एक्स प्लस 30 वो बराबर होगा 55 के, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगला क्वेश्चन देखिए एल पैरेलल टू एम है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये एंगल 70 दे रखा है हमें, ये फाइंड करना है। अब देखिए दो लाइनें पैरेलल ऐसे है, इसको एक लाइन ऐसे काट रही है, ये एंगल 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ये हो गया मेरा 70, ये 70 हो गया, देखिए एक ट्रायंगल के अंदर
इस तरह से एक ट्रायंगल होती है, उसका एंगल एक्सटर्नल एंगल होता है एक, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर इन दोनों का जोड़ 1, 2 और 3 ऐसे लेता हूँ मैं, कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर होता है 180 माइनस में एंगल 3 के बराबर, और ये पूरा कितना है 180 है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, x प्लस में 20, ये दोनों इन दोनों का जोड़ कितने बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस में 20 वो बराबर हो जाएगा 70 के, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 50। समझ में आ रहा है ना आपको थोड़ा बहुत? देखिए आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा समझ में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये एंगल 60 है और ये L है, ये पैरेलल है, L पैरेलल है M के, उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ये पूरी पूरी देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उस पर कितने डिग्री एंगल बनता है, 180 का बनता है ना। तो ये देखिए ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है एक पूरी पूरी, इस पर 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो 35 और 60 का तो ये बन गया, तो 180 इस एंगल की मैं वैल्यू निकालता हूँ थीटा की, तो 180 माइनस 60 माइनस 35 वो बराबर हो गया मेरा थीटा के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 में 30 गए 90, 90 में 5 गए 85, ठीक है, यानी 180 में से 95 गए 85 आ गया, ये हो गया 85। अब देखिए तीनों का योग कितना है, ये ट्रायंगल बन रही है तीन साइड से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं ना, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों का जोड़ 180 है, तो देखिए थीटा प्लस में एक्स प्लस में 20 इक्व टू 180, अब थीटा की वैल्यू में पता है 85, तो एक्स प्लस में 20 प्लस में 85 इक्व टू 180, तो एक्स वैल्यू कितनी आई मेरी 180 में से कितना कट गया 105, तो कितना हो गया मेरा 75, इनकी x वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा। L पैरेलल टू M दे रखा है, ये L लाइन है ये M है, ये दोनों पैरेलल है, और N पैरेलल है P के, ये N है और ये P है, ये दोनों भी पैरेलल है। अब देखिए कि x दे रखा है मैं यहाँ पे, दो लाइनें पैरेलल है इस तरह से, एक लाइन ऐसे कट रही है इसको, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एक्स है तो ये एक्स होगा ना, समझ रहे हैं ना, इसी में देखिए इस चीज को कंपेयर कीजिए, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, एक्स है ना। अब देखिए कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे पैरेलल है, अब एक लाइन ये कट रही है इस तरह से, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये चीज इस चीज को कंपेयर कीजिए, यानी कि अगर ये एक्स ये लाइन पैरेलल है, एन पैरेलल टू पी है, ये एन हो गया, आपको लिख देता हूँ, ये एन हो गया ये पी हो गया, यहाँ पे क्या है ये दो पैरेलल लाइनें कौन सी है एल और एम है, और ये लाइनें एन है, ये एल और पी है तो ये कितनी होगी एम होगी, तो यानी कि ये एंगल एक्स मैंने बताया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा 180 का, यानी कि x प्लस में 138 बराबर 180 डिग्री, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई कि 180 में से 138 घटा दिया तो कितना हो गया 42, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, एक लाइन P है और एक Q है और एक L है और एक M है, ठीक है, ये एंगल 50 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, दो लाइनें पैरेलल है उसको देखिए, दो लाइनें ऐसे पैरेलल है इसको ऐसे काट रहा है, ठीक है, ये होगी मेरी P, ये होगी Q, इसको ये L लाइनें काट रही है, देखिए ये एंगल 40 दे रखा है मेरा, ये 40 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप इसको, तो ये 40 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40, अब ये 40 हो गया ये 50 हो गया, तो ये एंगल देखिए कितना हो गया, ये एंगल क्या कर रहा है कि जो ये है इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, अब हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना होगा, लेकिन ये बाइसेक्टर उसका, ये पूरा पूरा वाई याद करना में,
अब ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, 40 और 50 90, तो ये कितना बच गया 90 का, 90 बच गया, ये 90 बच गया। और देखिए L पैरेलल टू M है, दे रखा है मैं, मैंने आपको बताया था कि L ये है और M ये है, ये पैरेलल दे रखा है। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 40 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 40 हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा x और x 140 हो जाएगा, 140 हो गया, तो ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, क्योंकि ये इसका हाफ है, 70 और 40 110। y बराबर क्या है, x प्लस में 40, तो x कितना हमारा 70 प्लस में 40 इक्वल टू 110, ठीक है। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा फिर मुश्किल लगा हो तो, ये एक लाइन और ये एक लाइन, इस तरह से ये लाइन कट रही है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40, तो ये भी 40, ठीक है। ये 40 हो गया, तो अब देखिए कि एक लाइन ऐसे कट रही है, तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 40 हो गया, ये L है तो ये M है, क्योंकि L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 हो गया, तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल कितना बच गया मेरा, 140 बच गया। अब इसका आधा किया मैंने, तो ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 70, और ये एंगल पूछा हमसे पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 110, 110 इक्वल टू वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एंगल में 40 दे रखा है, एल और एम पैरेलल दे रखी है, दो लाइनें ऐसे दे रखी है, ये ऐसे दे रखी है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40, 40, क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40, तो ये भी 40, ये 40 है, तो x की वैल्यू करनी है हमें, तो ये ट्रायंगल बन रही है x प्लस में 35 प्लस में 40 इक्वल टू 180, यानी कि x बराबर 180 माइनस 75, x बराबर 105, ठीक है 105। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि पी एस, ये पी एस होगी, क्यू एस ये हो गया, और पी आर ये हो गया, ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है। तो देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा है ये, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब साइडें बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। क्यू एस बराबर है, एक ट्रायंगल ले ली मैंने सबसे पहले पी क्यू एस में, ठीक है, अगर क्यू एस बराबर है पी एस के, तो क्या हो गया, थीटा बराबर थीटा हो गया, यानी कि कोण क्यू बराबर हो गया कोण पी के। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये आउटर एंगल हो गया इनका, आउटर एंगल कितना होता है हमेशा डबल, इन दोनों का जोड़ हो गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया टू थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एस आर में क्या है कि ये टू थीटा है, तो यानी कि पी एस बराबर है पी आर के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कितना हो जाएगा टू थीटा, तो ये भी टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। टू थीटा, टू थीटा, फोर थीटा, ये कितना बच गया मेरा, ये एंगल कितना बच गया, ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस में 4 थीटा, समझ आ रहा आपको, यानी कि अगर ये 2 थीटा है, थीटा थीटा ये हो गया, ये आउटर थीटा 2 थीटा, ये और ये बराबर है, तो ये 2 थीटा 2 थीटा, ये 180 माइनस 4 थीटा। अब देखिए ये एंगल लाइन सीधी जा रही है, यानी कि 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा प्लस में 78 इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया, माइनस का 3 थीटा प्लस में 78 बराबर 0, यानी कि 78 बराबर 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 78 बटे 3, 3 से इसको काटूंगा कितना आ गया 26, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 26। फाइंड क्या करना हमें,
कोण पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस की वैल्यू कितनी है टू थीटा, तो टू थीटा कितना हो गया 2 × 26 यानी कि 52। ठीक है दोस्तों, आ गया ना आपको समझ में, थीटा थीटा टू थीटा टू थीटा 180 − 4 थीटा, ये ट्रेंगल बन रही है ना, इस ट्रेंगल में लिया मैंने इसको, इस ट्रेंगल में लेगा तो इस ट्रेंगल में ही मुझे पता चलेगा कि 180 होता है ट्रेंगल के सभी एंगल कोणों का जोड़, ये दो थीटा ये हो गया तो ये 180 − 4 थीटा बच गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा आपको ए सी बी बी और एक्स, अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके टर्म में। अब देखिए कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया कि ए सी एक ट्रायंगल है, ये कोण ए है ये कोण सी है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण क्या हो गया 180 माइनस, और ये क्या हो गया ए प्लस सी, क्योंकि किसी ट्रायंगल के दो कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ए प्लस सी हो गया, और ये कितना हो गया बी हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मैं आपको दूसरा बता देता हूँ ठीक में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या है कि ए प्लस सी ये कोण है, प्लस में एक्स वो बराबर होगा बाह्य कोण के बी के बराबर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ से ये चीज आती है हमारी, यही फाइंड करनी थी एक्स को बी की ए बी सी की टर्म में। अगर समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखिए इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए पूरा, इस लाइन को आगे बढ़ाने से क्या हो गया ए बी सी डी ई, तब ट्रायंगल ए बी और ई में देखिए क्या है, एंगल ए यानी कि ए प्लस में सी प्लस में दोनों का जोड़ है वो इस एंगल के बाह्य कोण के बराबर होगा, ई के बाह्य कोण के बराबर, बराबर हो जाएगा कोण ई का बाह्य कोण, ठीक है, और इन ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ई डी सी में ए प्लस सी ये एंगल हो गया, ये एंगल यहाँ हो गया प्लस में एक्स हो गया, वो बराबर कितना हो गया बी के, क्योंकि ये बाह्य कोण हो गया इनका, ये बाह्य कोण हो गया तो यहाँ से क्या हो गया एक्स बराबर क्या हो गया बी माइनस ए माइनस सी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका ये पार्ट है ज्योमेट्री का पार्ट खत्म होता है। नए यूजर्स को बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल ज्ञान क्लब के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मेरा फेसबुक पर पेज है ज्ञान क्लब के नाम से, ज्ञान क्लब फॉर SSC, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।